देखिए भीगने के बाद इस साइज से इस साइज के हो गए हैं, तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। हमारे घर में दही वड़े जो हैं वो मीठी चटनी के साथ पसंद किए जाते हैं। आप चाहें तो इस पर हरी चटनी भी डाल सकते हैं, पर्सनल चॉइस है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ मीठी चटनी डाल रही हूँ। तो ऊपर से थोड़ा दही और डाल देंगे। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल मक्खन की तरह कट होंगे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने हैं, अंदर तक जाली आप देख सकते हैं इसमें। देखिए कितने नरम बने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही फूले फूले, बिल्कुल बाजार जैसे दही भल्ले या दही बड़े, आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह बनाने चाहिए। मैंने यहाँ पर दो दाल ली है, बेसिकली हम उड़द दाल के दही भल्ले बनाते हैं, बट मैं आज आपको दोनों दाल मिक्स करके बना करके दिखाऊंगी। इससे जो भल्लों का टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाता है और जो भल्ले हैं वो आपको डाइजेस्ट करने में भी इजी रहते हैं, क्योंकि मूंग की दाल काफी हेल्दी होती है। यहाँ पर मैंने ली है धुली उड़द की दाल, ये एक कप है, अगर आप कप से मेजर करोगे जो मेजरिंग कप होते हैं। और यहाँ पर है आधा कप मूंग की दाल, ये येलो वाली जो पीली वाली मूंग की दाल होती है वो है, और ये वाली दाल जो है इसे तिमा की दाल बोलते हैं। तो दोनों दालों को बहुत ही अच्छे तरीके से धो करके मैंने यहाँ पर एक घंटे के लिए भिगो दिया था। एक घंटे में भीग करके रेडी हो जाती हैं, अगर आप रूम टेम्परेचर के पानी में भिगो रहे हैं तो 3-4 घंटे भिगोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उड़द की दाल भिगो करके रेडी कर ली है और यहाँ पर है मूंग की दाल। तो ये दोनों दालें भिगो करके अच्छे तरीके से धो करके मैंने तैयार कर ली थी। अब हम इनमें से पहले तो पानी निकाल देंगे और इनको मिक्सी के जार में पीसेंगे। जब भी आप ये दाल के दाने को तोड़ करके देखें तो ये आराम से अंगूठे से कि नाखून से टूट जाना चाहिए, तो इसका मतलब दाल अच्छे तरीके से भीग चुकी है। तो आइए अब हम एक एक करके इनको मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो पहले मैं यहाँ मूंग की दाल भिगो करके रखी है उसको पीस रही हूँ मैं। तो ये देखिए सारी दाल मैंने यहाँ पर डाल दी है। ये देखिए मूंग की दाल पीस करके रेडी है और हमने इसमें एक भी चम्मच पानी का इस्तेमाल नहीं किया। इसको निकाल लेंगे बाउल में। सेम इसी जार में हम उड़द की दाल भी डाल लेंगे। जैसा कि मूंग की दाल को पीसने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उड़द की दाल इस तरह नहीं पीसेगी। इसमें मैं यहाँ पर आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। तो पहले मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है, अब हम इसको पीसेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो और पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब दाल पिसने लगी है, बट अभी भी थोड़ा सा पानी और डलेगा। 2 टेबलस्पून पानी में और डाल रही हूं। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ दाल पिस करके रेडी है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही पिस चुकी है, तो हम इसे भी अब बाउल में निकाल लेंगे। तो थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे ताकि हम इसे फेंट सके। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मूंग की दाल को पीसा था, मूंग की दाल की पिट्ठी डाल देंगे और इसी के साथ ये उड़द की दाल की पिट्ठी भी निकाल लेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको जो चाट वालों वाला दही होता है वो भी रेडी करना दिखाऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इसे फेंटने के लिए इस तरह के विस्क का यूज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक जो बीटर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह के विस्क का यूज करूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा येलोइश टोन आता है, तो ये देखिए कितना फूल जाएगा आप देखेंगे अभी। इसको इस तरह से 5 मिनट लगातार चलाते हुए फेंट देंगे। देख सकते हैं अभी ये कितना पतला दिख रहा है, फिटने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे विस्क की जगह अगर आप इसे हाथ से फिटेंगे तो ज्यादा आसानी से फिट जाएगा। तो यहाँ विस्क से हाथ दुखने लगा था, तो इसलिए मैंने भी इस तरह से हाथ से मैं इसे फेंट रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे हाथ से फिटें या फिर विस्क से, बट हाथ से इजीली फिट जाता है। तो 5 से 7 मिनट फेंटने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि कितना ज्यादा फूल गया है। और ये देखिए जब मैं इसे उल्टा करूंगी तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली फिट चुका है। ये देखिए अच्छे से उल्टा करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो दही भले बनाने से पहले हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो
यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है मैंने, उसमें डाल देंगी एक अदरक का 1 इंच का बड़ा सा टुकड़ा, 3-4 टुकड़ों में करके डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर 2 से 3 हरे मिर्च, 1 चम्मच पानी डाल करके इनका पेस्ट बना लेंगे, और थोड़ी सी डाल देंगे हींग, और इसको भी इसी के साथ पीस लेंगे कि अच्छे तरीके से पिस जाए। अदरक, हरे मिर्च और हींग का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। इसी के साथ साथ इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, आप नमक कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सब चीजों को। तो ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, ये देखिए। और अब हम बनाएंगे दही बड़े, दही भल्ले। एक चीज और ध्यान रखें कि इसमें हमने कोई भी इनो, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज नहीं किया है, इसी तरह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। चेक करने के लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ये बैटर डालेंगे। देखिए किस तरह से फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेगा, आप चेक कर सकते हैं कि बैटर रेडी हुआ है या नहीं। तो और अब हम बनाएंगे दही बड़े, दही भल्ले, हम उनको सोक करने के लिए पानी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जितने मुझे सोक करने हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ले रही हूँ। यहाँ पर 1 चुटकी हींग मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि जब तक भल्ले रेडी हो ये हींग वाला पानी रेडी हो जाएगा, इससे फ्लेवर हींग का और भी बढ़ जाता है। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद ना हो तो टोटली अवॉइड कर दें, बिल्कुल हटा दें इसको, आप सिर्फ पानी ले लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, मीडियम हीट पर गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है। तो थोड़ा सा हम बैटर डाल करके चेक कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से 1 चम्मच में बैटर ले लें, 2 चम्मच से इस तरह से ऑयल में छोड़ दें। आप इस तरह से बना सकते हैं, मुझे जरा हाथ से इजी लगता है, तो ये देखिए मैं आपको हाथ से बना करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें इस तरह से फिंगर्स को गीला कर लेंगे, इससे बहुत इजीली बन जाते हैं। देखिए इस तरह मैंने बैटर ले लिया है, और इसको हम हाथ से अंगूठे की मदद से इस तरह डालेंगे। इस तरह से मैं बाकी के भी दही बड़े डाल दूंगी एक एक करके, देखेंगे कि हम कितने छोटे साइज के दही बड़े इसमें डाल रहे हैं, ये फूल करके काफी बड़े हो जाएंगे। और आप नोटिस कीजिएगा कि एक एक जो दही बड़ा है वो खुद ही पलटता जाएगा, जो दही बड़े हैं आप देख सकते हैं खुद ही पलट रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एयर है। इस तरह से जब भी आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसे फूले फूले दही बड़े बनेंगे, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। लगभग सभी ये वाले जो हैं ये पहले खुद ही पलट चुके हैं, और ये आपस में चिपक गए हैं इसलिए नहीं पलट रहे हैं, तो इनको हम हल्का सा अलग कर देंगे जिससे कि ये भी पलट जाए। और आपको इनका साइज भी दिख रहा होगा कि किस तरह फूल करके बड़े हो गए हैं, तो बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करना है ताकि बीच से बिल्कुल भी अच्छे ना रहे जो दही बड़े हैं वो, हम फ्राई होने देंगे। तो मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ। कितने फूल गए हैं आप देख सकते हैं, कितने फूले फूले बिल्कुल गोल गोल दही बड़े बनकर के रेडी हुए हैं, वो भी बिना बेकिंग पाउडर बिना मीठा सोडा के। इन्हें निकाल लेंगे, तो इनको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए सभी दही बड़े सेक करके रेडी हैं, इन्हें हम इसी स्टेज पर पानी में डाल देंगे ताकि झटपट से भीग जाएं। देखिए हींग अच्छे से फूल गई है, तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि सारे पानी भी घुल जाए ये। तो हींग वाला पानी जो है वो रेडी है, अब हम इसमें डाल देंगे ये दही भल्ले जो कि हमने अभी अभी फ्राई किए हैं, ये अभी गर्म ही है तो इसको डाल देंगे। और इसको हमें हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लोट कर रहे हैं, तो इसको दबाने के लिए कोई छोटे साइज की प्लेट इस पर रख देंगे। देखिए ये थोड़े छोटे साइज की प्लेट है इस बाउल से, तो इसको हम इनको हम ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से भीग जाए, और उसके लिए इस पर कोई वेट रखेंगे। तो देखिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भीग जाए, इनको भीगने देंगे। 1/2 लीटर यहाँ पर दही लिया है मैंने, बिल्कुल गाढ़ा वाला दही, आप देख सकते हैं देखिए कितना गाढ़ा है। अगर दही आपके पास गाढ़ा ना हो तो आप उसको छलनी में डाल करके रख दें, तो वो इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अगर जरूरत लगेगी तो हम बाद में पानी ऐड कर लेंगे। और खट्टी दही नहीं है, बिल्कुल ताजी वाली दही है। 2 छोटे चम्मच चीनी डालेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जो चाट वाले होते हैं उनकी दही थोड़ी सी मीठी होती है, कारण यही है कि उसमें वो चीनी ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच नमक। तो इस तरह से दही तैयार किया जाता है, साथ में वो दही को कपड़े में से छानते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटेंगे व्हिस्क से। पहले हम चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंने दानेदार चीनी ली है तो ये इतना फिटेगा कि ये ऑलरेडी
काफी स्मूथ हो जाएगा, तो इसको हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। अभी ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो इसमें मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून पानी भी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दही रेडी है और बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, तो अब हम लगाएंगे दही बड़े। पहले हम चेक कर लेंगे कि चूंकि हमने भल्ले भिगोए थे वो रेडी हुए हैं या नहीं। इसको आधा घंटा हो गया है भीगे हुए, तो हम चेक कर लेंगे कितने अच्छे से भीग गए हैं। ये देखिए, देखने से ही पता लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से सोक हो चुके हैं, सब अच्छे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरह से फूल गए हैं, और साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। तो देखिए भीगने के बाद इस साइज के हो गए हैं। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने लिया है मिट्टी का बर्तन। आप चाहे तो किसी भी प्लेट में सर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का बर्तन लिया है। ये देखिए, इस तरह से दही बड़े को निचोड़ेंगे अच्छे से। एक एक दही बड़े को अच्छे तरीके से हम निचोड़ेंगे, और उसके बाद जिस भी बर्तन में आपको लगाना हो उसमें इनको रख दें। एक दही बड़ा मैं आपको इसी तरह कट करके दिखाती हूँ, तो हम पहले इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर तक। ये देखिए किस तरह का जालीदार इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया और परफेक्ट दही बड़ा बना है। तो अब हम इन पर डाल देंगे दही। दही डालने के बाद इस पर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। तौले के नीचे एक प्लेट रख देंगे ताकि ये गिरे नहीं। थोड़ा सा काला नमक, दही में ऑलरेडी नमक है, और इस पर डाल देंगे ये मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे घर में दही बड़े जो हैं वो मीठी चटनी के साथ पसंद किए जाते हैं। आप चाहें तो इस पर हरी चटनी भी डाल सकते हैं, पर्सनल चॉइस है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मीठी चटनी डाल रही हूँ, तो ऊपर से थोड़ा दही और डाल देंगे। देखिए दही बड़ों की प्लेट लग कर के रेडी है, और बहुत ही यमी दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल मक्खन की तरह कट होंगे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। अंदर तक जाली आप देख सकते हैं इसमें। देखिए कितने नरम बने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए किस तरह के नरम, मुलायम, बिल्कुल स्पंजी, बहुत ही टेस्टी दही बड़े बनकर के रेडी हुए हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून। मिलते हैं नई वीडियो में।